రైట్, ఈ బిటిఎస్ఎం సంబంధించి జాతీయ అధ్యక్షులు సంజయ్ శుక్లాజీ మనకి లక్నో నుంచి లైవ్ లో అందుబాటులో సిద్ధంగా ఉన్నారు. అసలు ఈ బిటిఎస్ఎం ఉద్దేశం ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు, దీని యొక్క ప్రధాన ఎజెండా ఏంటనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. శుక్లాజీ నమస్కార్ జీ. నమస్తే. నమస్తే. బిటిఎస్ఎం మెయిన్ ఎజెండా క్యా హై సర్? బిటిఎస్ఎం కా జో సంకల్ప హై कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आजादी और भारत की सुरक्षा. कैलाश मानसरोवर जैसे हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर को भगवान शंकर का निवास स्थान माना गया है. भगवान गणेश वहीं पैदा हुए और वहीं सती का भी एक अंग गिरा था. और जो मानसरोवर है उसको स्वर्ग का द्वार माना जाता है. और सनातन दृष्टि से तो है, अगर बौद्ध धर्म को मानने वाले उसको धर्म की छतरी मानते हैं, मानते हैं कि पूरे विश्व का धर्म का जो केंद्र है वो कैलाश मानसरोवर. इसी प्रकार जैन धर्म में अगर पहले जो जैन मुनि थे उन्होंने अपना वहां निर्माण स्थली है ऋषभदेव महाराज जी की, वहीं उन्होंने निर्माण लिया था और आठ पद पर अष्टपद करके एक स्थान उसको जैन धर्म के मतावलंबी मानते हैं. और सबसे पवित्र स्थान है ऋषभ देव के जो पहले पुत्र थे भरत मुनि, जो दूसरे जैन मुनि हुए, उन्होंने वहां अष्टपद पर ऐसे 72 पिंड की स्थापना की है जो पूरे दुनिया को जैन धर्म के मानने वाले लोग यहां जाते हैं. इसी प्रकार सिख धर्म के लोगों को अगर आप देखें तो गुरु नानक देव जी जो पहले सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने भी वहां की यात्रा किया था और उन्होंने कहा कि ये मान सरोवर नहीं है, ये अमृत सरोवर है, यहाँ सीधे अमृत है इसमें. और जब स्वर्ण मंदिर बना था अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल आप समझेंगे, तो उस सरोवर में मान सरोवर से ले आकर पानी भी डाले थे. और तिब्बत हमारा एक मित्र देश था. जैसे हम भूटान में बिना वीजा बिना परमिट के जाते हैं, नेपाल में बिना वीजा बिना परमिट के जाते हैं, इसे कैलाश मानसरोवर हम जाते थे. और जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो जो हमारे ऋषि मुनि थे अपने जो धार्मिक ग्रंथ सारे ले जाके तिब्बत के मठों में रखे थे, इसका उल्लेख राहुल सांकृत्यायन ने अपने उसमें किया है, अथा तो मकड़ी जी के आख्या में. और उन्होंने कहा कि जब मैं मानसरोवर की यात्रा से लौट रहा था तो अनेक मठों में ऐसे भारतीय पांडुलिपियां, हस्तलिखित पांडुलिपियां वहां के मठों के लोगों ने कहा कि यह भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर है, इसको आप अपने साथ ले जाइए. और एक हस्तलिखित पांडुलिपि थी जिसका वजन ही 50 किलो से ज्यादा था. तो एक तो हमारा आध्यात्मिक, दूसरा बौद्ध धर्म भारत की सनातन संस्कृति से निकला, ये एक आध्यात्मिक आस्पेक्ट है. दूसरा है तिब्बत की आजादी. तिब्बत की आजादी का मूल मकसद यह है कि 1950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, लेकिन 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन भारत का पड़ोसी बन गया. और जो देश हमारा पड़ोसी नहीं था फिर उसने अपनी सेना को लेकर चढ़ाई किया और सिक्किम में नाथुला तक आ गया, अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक आ गया और लद्दाख में जो नीचे तक आ गया जो आक्साई चीन का हिस्सा है. तो कहता है कि मतलब जो हमारा पड़ोसी नहीं था वो आज के डेट में हमारे प्रदेशों को प्रभावित करने काम करता है. दूसरी चीज, अभी लगातार भारत विरोधी जितनी भी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही या देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, पाकिस्तान के माध्यम से चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है. अगर तिब्बत आप बेमानिए कि जो 3500 किलोमीटर की सीमा है उसमें भारतीय रक्षा बजट का जो कुल बजट का एक तिहाई से ज्यादा पैसा खर्च होता है, ज्यादा पैसा खर्च होता है वहां जो हमारी तिब्बत और भारत की सीमा थी, जो आजकल टेक्निकली वो जो सीमा जो है चाइना की सीमा कही जाती है. अगर तिब्बत आजाद हो जाता है तो भारत की रक्षा बजट का इतना भारी भरकम बजट जो उसकी हम अपने देश की सुरक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं, चाहे राफेल तैनात कर रहे हैं, जो गलवान की घटना हुई, तो ये सारी घटनाओं से हम बच सकते हैं, वो पैसा हमारे देश के विकास में, इंडिया में बीटीएस इसलिए तिब्बत की आजादी भारत के लिए जरूरी है. सर इस समय इंडिया में 22 प्रदेशों में बीटीएसएम का काम चल रहा है, जिसमें आपके दक्षिण के प्रदेशों में पांडिचेरी छोड़ के लगभग सभी प्रदेशों में काम हो गया. आज जब से रावरी सुधा जी ने जिम्मेदारी लिया है और अपने पी चंद्रशेखर जी और पी सत्यनारायणा जी अफ्रीका में रहते हैं, अभी बीटीएसएम का काम भारत के साथ साथ बाहर भी शुरू हुआ है. जो विदेशों में हमारे भारतीय हैं उनको भी हम इस अभियान से जोड़ रहे हैं और
कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आजादी के साथ साथ भारत का सुरक्षा का जो विषय है सबके बीच में हम ले जा रहे हैं। दूसरी चीज, गलवान की घटना के बाद और जो कश्मीर में जिस प्रकार से सेना सैनिकों पर जो हमले हुए, उन हमलों में चाइनीज आपको सारे जो हथियार थे चाइनीज थे, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी जब मसूद अजहर से लेकर जितने आतंकवादी थे, चाहे मुंबई घटना के आतंकवादी रहे हो और जितने जो पाकिस्तान में सेंटर लिए हैं, इनके विषय में जब इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बात हुई तो उस समय चाइना ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो लगाया। तो इस दृष्टि को देखते हुए देखिए, सैनिक सीमा पर लड़ रहा है, हम लोग सामान्य नागरिक हैं जो संसद में है, कानून बना रहे हैं, जो न्यायालय में है न्यायालय में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक देश के सामान्य नागरिक के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से सर एक लाइन पूरी कर दे तो सर, तो एक सर मैं उदाहरण दूंगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा पर जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, आज तक अमेरिका के कोई सामान जापानी लोग नहीं खरीदते जबकि दोनों देश मित्र हैं। तो हम भारत के एक सामान्य नागरिक के नाते जो देश हमारे देश से पैसा कमा के हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे सैनिकों पर हमला करने के लिए उपयोग करता है, तो उस देश का हम सामान न खरीदें। एक सामान्य देशभक्त नागरिक के नाते हम अपने जीवन में इस चीज को उतारे, ये प्रयास शुक्ला जी, आप टिबेट को कैसे मदद कर सकते हैं? सर, तिब्बत को मदद करने के लिए अभी इधर के दिनों में जो घटना हुई आप देखे होंगे, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने तिब्बत के राष्ट्रपति को अपने यहाँ आमंत्रित किया, करने के बाद इस विषय में चर्चा की, और चर्चा ही नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अधिकारी की नियुक्ति की जो तिब्बत में मानवाधिकारों पे जो हनन हो रहा है उसके विषय में आवाज उठाए, उसको आवाज करेगा। इसके साथ ही ल्हासा में वो अपना वाणिज्यिक व्यापार केंद्र खोलने के लिए भी मतलब कमर्शियल कंसुलेट का भी शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार एक भारत के नागरिक के नाते आपको याद होगा इतिहास में घटना हुई यूएसएसआर जो था सोवियत रिपब्लिक, आर्थिक संकट के कारण सोवियत रिपब्लिक 16 टुकड़ों में बट गया, इसलिए हमको चाइना को आर्थिक चोट देना पड़ेगा और तिब्बत की मुक्ति के आंदोलन को समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन चाइना के पास अपना पैसा कम होगा, जब भी देखिए सीपेट प्रोजेक्ट बंद हो गया पिछले दिनों गलवान के बाद, भारत के लोगों ने थोड़ा सा वो किया, आज उसका सीपेट प्रोजेक्ट बंद है चाइना का, चाइना ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए 5% की सब्सिडी दिया है। तो एक भारतीय के नाते हमको दो काम करना है, परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में जो तिब्बत मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसको हम समर्थन करेंगे, और उसी समर्थन का जो दूसरा पार्ट है कि हम चाइनीज वस्तुओं का ठीक से बहिष्कार करेंगे जिससे कि हम चाइना को आर्थिक चोट पहुंचा सके और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। लास्ट क्वेश्चन शुक्ला जी, एपी में बीटीएसएम कमेटी कितना कम्प्लीट होगा? आंध्र प्रदेश में सर अभी स्टेट की इकाई का गठन हो रहा है, वहाँ डोरा बाबू स्टेट प्रेसिडेंट है और रावरी सुधा जी है, यूथ का भी अभी रावरी सुधा जी ने गठन शुरू कर दिया है, हमको लग रहा है 6-7 पदाधिकारी बन गए हैं। तो ये तो सर दक्षिण भारत का पूरा एक रीजन के रूप में हम अपने संगठनात्मक तंत्र मिले हैं, जो उधर के 6 स्टेट हैं, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पांडिचेरी। तो सर वहां गठन का काम चल रहा है, और जो कोर ग्रुप है उस ग्रुप में पी चंद्रशेखर जी और अपने रावरी सुधा जी हैं, और महिला विंग के साउथ इंडिया के प्रभारी जो हैं अकुला विजय लक्ष्मी जी हैं, ये तीनों लोग मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके साथ ही लायन बाबू मिरियम है, आपके दारा संभैया जी हैं, और अभी आपने बात किया पी सत्यनारायणा जी से जो हमारे इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो ये लोग मिलकर वहां काम कर रहे हैं। जैसे कि तमिलनाडु में जयंती जी हैं, अभी तमिलनाडु के भी स्टेट की घोषणा हो रही है, कल हो जाएगी सर, उसका बन गया है। कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट शर्मा जी की अभी परसों ही घोषणा हुई है। तो काम इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, ये सारा कोऑर्डिनेशन अपने रावरी सुधा जी और ये कर रहे हैं चंद्रशेखर जी विशेष रूप से। धन्यवाद।